वीडियो देखने से पहले हमारे जीके चेन स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते बच्चों, मैं भाग्यलक्ष्मी श्री जीके चेन स्कूल की साइंस अध्यापिका, फोर्थ स्टैंडर्ड साइंस। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको भोजन के बारे में बताया था कि भोजन कच्ची खाई जाने वाले भोजन और कौन से भोजन को हम पका के खाते हैं ना। तो बच्चों, जो कच्ची खाई जाने वाले भोजन का आपको मालूम है, जैसे गाजर हो गया है ना, मूली हो गया, प्याज, टमाटर। इसके बाद कुछ भोज्य पदार्थों को हम पकाते हैं, जैसे चावल हो गया है ना, आटे की रोटी बनाई जाती है। अभी हम क्या देखेंगे, भोजन पकाने की विधियाँ। बच्चों, भोजन हम क्यों पकाते हैं और भोजन क्यों पकाना आवश्यक है, इसके पहले हमने देखा था। आज का हमारा टॉपिक है भोजन पकाने की विधियाँ। तो हमें भोजन, हम तीन विधियों से हम अपना भोजन तैयार करते हैं। पहले विधि है नम गर्मी से, यानी धीमी गर्मी में रखकर। दूसरा है सूखी गर्मी, है ना, तो सूखी यानी ड्राई, सूखी गर्मी के द्वारा। तीसरा है अन्य तरीके से। तो तीन विधि से हम भोजन तैयार करते हैं बच्चों। तो सूखी गर्मी में हम कौन कौन से भोजन पका सकते हैं, जैसे उबालना, जो कोई भी भोजन को जब हम उबालते हैं, उबाल के बनाना, भाप द्वारा बनाना, फिर प्रेशर कुकर में बनाना। तो ये जो तीन भोजन है जो हमारे, ये नम गर्मी के द्वारा हम बनाए जाते हैं। उसके बाद है सूखी गर्मी में, तो तलकर, हम बहुत सारे भोज्य पदार्थों को तलकर हम निकालते हैं, या तो भूंजकर। तल के निकालने में क्या आ जाएगा, जैसे पूरी हो गया, जो तेल में जो डूब के निकलने वाली जो वस्तु होती है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उसको हम बोलते हैं तलकर। भूंजकर यानी जैसे मूंगफली भूंज लिया हमने, पॉपकॉर्न भूंज लिया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, भूंजकर। फिर नेक्स्ट है बच्चों अन्य तरीके से। अन्य तरीके से यानी माइक्रो ओवन। आप लोगों ने देखा हो बच्चों, आजकल माइक्रो ओवन का बहुत फैशन है, सभी के घर में माइक्रो ओवन है। सवेरे मम्मी खाना बना के रख के चली जाती है और आप लोग खाने से पहले क्या करते हैं, माइक्रो ओवन में रख कर गर्म करके खा लेते हैं। माइक्रो ओवन से हम केक बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, बहुत चीज़ हम बनाकर हम उसका उपयोग करते हैं। दूसरा है बच्चों सोलर कुकर। सोलर कुकर भी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं यहाँ पे चेन्नई में ज़्यादा नहीं है, नॉर्थ में हमने देखा है सोलर कुकर, है ना, बहुत बड़ा एक पेटी के सामान होता है, उसके अंदर चार बॉक्स रहते हैं, उस बॉक्स में ब्लैक पेंट किया हुआ रहता है। अगर हम अपने भोज्य पदार्थों को उसमें, सब्जियों को काट कर और चावल को पानी में और दाल रख के धूप में सूर्य के प्रकाश में रखते, तो हमारा भोजन तैयार हो जाता है। तो ये हमारा भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, सोलर कुकर से जो बना हुआ भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। फिर बिजली का चूल्हा आप लोगों ने देखा होगा, गैस ख़त्म हो जाती है तो बिजली के चूल्हे से हम क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो बच्चों, ये भोजन पकाने की इतनी सारी विधियाँ हो गई हैं ना। तो उबालने से क्या क्या हम बनाते हैं, हम उबाल के हम क्या बनाते हैं, चावल बनाते हैं। भाप के द्वारा हम क्या बनाते हैं, इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं। प्रेशर कुकर में भी हम चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, है ना, ब्रिंजी बनाते हैं, ये सब हम प्रेशर कुकर में भी बनाते हैं। फिर है तलकर, हमने आपको बता दिया, पूरी हो गया है ना, इसके बाद वड़े हो गया, पूरी, ये सब हम तेल में तलकर बनाते हैं। इसमें भूंज कर बनाने में क्या हो गया, मूँगफली हो गई और रवा भूंज लिए हमने, मूँगफली भूंज लिए, ये सब हम भूंज कर भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं। फिर माइक्रो ओवन, सोलर कुकर, बिजली का चूल्हा, ये आप लोगों ने देखा है। अब हम देखेंगे बच्चों कि खाना पकाने की आदतें, खाना पकाने की आदतें। तो बच्चों, हमने देखा है कि अभी हमने तो भोजन को हम कैसे बनाना चाहिए, है ना, तो जैसे नम गर्मी से हमने भोजन को बनाया, सूखी गर्मी से बनाया, अन्य तरीके से बनाया। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ये ध्यान देना है कि भोजन को हमें कैसे पकाने की आदत रखना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हमारा, खाना पकाने से पहले हाथों को धोना चाहिए। अगर रसोई घर में आप खाना बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले चाहे खाना परस रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, या खाना बनाने जा रहे हो, ये तीनों तरीके में आप क्या करना है, अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना है। सबसे पहले तो हमें हर किसी भी चीज़ को उठाने से पहले हमें अपने हाथों को साफ करके ही, धोकर ही हमें काम करना चाहिए।
नेक्स्ट है बच्चों, फल और सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। अगर हमारी मम्मी कुछ भी हो, चाहे हमारा चावल हुआ, दाल हो गया, अगर हम पकाते हैं तो सबसे पहले उसको धोना चाहिए। क्योंकि देखना सब्जी मंडी में जब आप देखोगे तो आप तो सब्जी खाओगे नहीं, वो इतनी गंदी तरीके से वहाँ से बाज़ार में आता है, फिर हम बाज़ार से लेके घर पे लाते हैं तो उसमें कितने सारे रोगाणु कीटाणु होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने सब्जी और फलों को अच्छी तरीके से धोकर ही काटना चाहिए, धोकर ही खाना चाहिए। भोजन को लंबे समय तक पकाने से भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। बच्चों आप देखना, जो हम कच्ची खाई जाने वाली सब्जी जो हम बोलते हैं वो हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा लाभदायक है। इसके बाद हम अपने भोज्य पदार्थ को अगर कम उबाल कर खाएंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदा। अगर हम लंबे समय तक बहुत डीप फ्राई करके तल कर अगर हम वो वाला भोजन हम लेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारा वसा क्या हो जाएगा, फैट है ना, जम जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन हमें तो वही भोजन ज़्यादा पसंद आता है ना जो लंबे समय तक क्या होता है, पकाने में जो समय लेता है वही भोजन हमें ज़्यादा पसंद आता है ना, जो ज़्यादा तेल में डूबी हुई रहती है वही भोजन हम ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भोजन को लंबे समय तक पकाने से भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, एक ही तेल से भोजन बार बार नहीं पकाना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि बाज़ार से ये पकौड़ा वगैरह सब लेके नहीं खाना चाहिए, घर में बनाने चाहिए। वो क्या करता है, दो दिन तीन दिन तक वही तेल में पकौड़ा डाल के समोसा डाल डाल के पकाता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। बच्चों हमने आपको बताया था भोजन पकाने की विधियाँ, हमने बताए थे ना तीन प्रकार की विधियाँ हैं। हमने क्या बताया था, भोजन पकाने की तीन प्रकार की विधियाँ हैं। तो जैसे नम गर्मी में हम कुछ भोज्य पदार्थ को पकाते हैं, सूखी गर्मी में पकाते हैं, और उसके बाद है अन्य तरीके से पकाते हैं। तो मैं बच्चों आपको मैं ये एक्सरसाइज के समान यहाँ पे दे रही हूँ। तो मेरे हमारे पास इतने सारे भोज्य पदार्थ हैं, इनको आपको देख कर लिखना है कि वो सब भोज्य पदार्थ को हम उबाल कर करते हैं और किसको हम भाप में पकाते हैं और कौन से भोज्य पदार्थ को हम तल के बनाते हैं और भूज के बनाते हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है चावल। चावल आपको सभी लोग बता सकते हैं, चावल को हम क्या करते हैं, उबाल कर पकाते हैं। किसमें पकाते हैं, किस विधि से हम चावल को पकाते हैं, उबाल के पकाते हैं और प्रेशर कुकर के द्वारा पकाते हैं। पूरी बच्चों आप बता सकते हैं, पूरी को हम क्या करते हैं, तल कर, तेल में तल कर पूरी को हम बनाते हैं। आप लोगों ने मुरकू खाया होगा, मुरकू किस में बनता है, तल कर, किस में बनता है, तल कर। और बच्चों आप लोगों ने हमेशा पॉपकॉर्न खाया होगा, पॉपकॉर्न आपको ठेले में भिजाते समय देखने को देता है, वो क्या करता है, भूंजता है पॉपकॉर्न को। पॉपकॉर्न को हम किस प्रकार बनाते हैं, भूंज कर पकाने की एक विधि है। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने इडली खाया होगा, इडली कैसे बनता है ना, एक बर्तन में इडली का साँचा आप लोगों ने देखा होगा, पानी डाल देते हैं, उसके बाद इडली के बर्तन में हम क्या करते हैं, आटा डालते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं, तो जो उसका भाप है स्टीम क्या होता है, बाहर नहीं जाता है, तो अंदर ही अंदर भाप से क्या पक कर हमारी इडली तैयार हो जाती है। जो भाप से पकने वाले जो लोचे पदार्थ हैं वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। डोसा खाने से ज़्यादा अगर हम इडली खाएंगे तो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि ना तो उसमें तेल लगा और हमारा भोजन तैयार हो गया भाप से, और जो भाप से पकने वाले भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो इडली हमारी किससे बन गई, भाप से, है ना। आप लोग खुद लिखना है, मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद दूध, बच्चों आप लोगों ने कभी देखा है दूध को कभी मम्मी के तेल में तलती है, नहीं ना, वे पानी के अंदर रख के गर्म करती है, नहीं ना। दूध को हम उबालते हैं, एक बर्तन में दूध काट के, तो दूध क्या होता है, उबलता है। तो दूध क्या, कौन सी विधि से हो गया, उबाल कर बनाने की विधि है। अगर प्रश्न पूछे कि दूध कैसे बनाया, कैसे पकाया जाता है, तो दूध उबाल कर पकाया जाता है। नेक्स्ट बात, तो मछली आप लोगों ने देखा है, मछली तो हमेशा देखते हो, बहुत लोग खाते भी हैं। मछली को भी क्या करते हैं, हम डीप फ्राई करते हैं, तल कर हम मछली को तैयार करते हैं। बीच में भी देखना आप लोगों को मछली मिलेगी, तल कर वो मछली तैयार करके होता है। दाल बच्चों, दाल को भी हम किस में बनते हैं, उबाल कर पका लेते हैं दाल को, है ना, पानी में डालते हैं, कुकर में डालते हैं, हमारी दाल पक जाती है। पुराने ज़माने तो दाल तो एक मिट्टी के बर्तन में डालकर
दाल पकाते थे तो वो दाल बहुत स्वादिष्ट रहता। अभी इसके बारे में भी अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके बाद बच्चों पुट्टू, पुट्टू आपने देखा है केरला का डिश है, पुट्टू मालूम है ना, वो चावल को हम क्या करते हैं पीस कर उसको भी हम भाप में पकाते हैं। एक कपड़े के अंदर रख कर उसको आटा रख, उसके चावल का आटा रख देंगे और बंद करने से हमारा पुट्टू तैयार। और उसमें हम क्या करते हैं नारियल और केला मिला के खाते हैं, कई लोग उसमें दूध भी मिला के खाते हैं। तो ये सब भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। अभी मूंगफली आप लोगों ने देखा है, ये दो प्रकार से, एक तो तेल के अंदर तल के भी निकालते हैं और एक क्या करते हैं हम कढ़ाई में भूंज कर भी हम तैयार करते हैं। तो बच्चों हमने आपको ये बताया, आपको कौन कौन से आप जो भोजन आप खाते हो सेवन करते हो, तो वो भोजन आप तल कर खाया उस भोजन को, या भूंज कर खाया, या भाप में पका के खाया, या उबाल के खाया, आप ऐसा एक एक्टिविटी बना के तैयार करके रखना। और इसमें जो भी मैंने लिखा हुआ है इसको आपको अपने आप से लिखना। तो बच्चों ये आज हमारा हो गया भोजन के बारे में, हमने ये आपको बताया कि भोजन के भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं और हमें भोजन क्यों पकाना है, भोजन पकाने की क्या आदतें हैं, मैंने क्या सावधानी हमें रखना चाहिए और फिर इसके बाद चार्ट कर लेना। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।